जनपद का चर्चित आदित्य प्रताप सिंह उर्फ रवि हत्याकांड ने पूरे प्रदेश में भूचाल ला दिया। कई धरना प्रदर्शन व जन आक्रोश ने हत्या में संलिप्त सोमू ढाबा मालिक सुरेश यादव व उनके 6 अन्य साथियों को जेल भेज दिया। संगठनों व आंदोलनों में मांग उठती रही कि यह ढाबा अवैध भूमि पर है। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने इसकी जांच कराई। जांच कराने पहुंचे उप जिलाधिकारी सदर शशांक त्रिपाठी ने पाया कि होटल व ढाबे का कुछ हिस्सा पर अतिक्रमण पाया गया। आज बुधवार को प्रशासन ने उप जिलाधिकारी सदर शशांक त्रिपाठी के नेतृत्व में अतिक्रमण गिराने का कार्य शुरू किया। क्षेत्राधिकारी नगर गोप ने सोनी व विनीत सिंह के नेतृत्व में कई थानों की फोर्स की सुरक्षा में अतिक्रमण के हिस्से को जमींदोज किया गया। अतिक्रमण पर विरोध करने पहुंचे व्यापारी नेता बसंत सिंह बग्गा को बैरंग वापस लौटना पड़ा। प्रशासन ने होटल नरेश व सोमू ढाबा के अतिक्रमित हिस्से को गिरा दिया। वहीं नरेश होटल के सामने सड़क पर बनाए गए हनुमान मंदिर को भी हटा दिया गया।